एवरीवन, वेलकम बैक टू अनु शर्मा क्रिएटिविटी। और जो आज की वीडियो है वो बहुत टाइम बाद आ रही है, आई नो, लेकिन आज की जो वीडियो बहुत इजी, बहुत सिंपल वर्ली आर्ट के ऊपर है, जिसे आप फटाफट से बना सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है कार्डबोर्ड। ऑफकोर्स घर में बहुत सी चीज़ें हमारी ऐसी आती हैं पैकेज वगैरह की, हम कार्डबोर्ड तो मैनेज कर ही सकते हैं। फिर जो सेकंड थिंग है वो है नैपकिन। वेस्ट नैपकिन है जो नॉर्मल हमारे घर में होता है, और उस नैपकिन को हमें क्या करना है, चिपका देना है। और मैं इसको दो बार चिपका रही हूँ, क्योंकि एक बार में जो फिनिशिंग मुझे चाहिए थी वो फिनिशिंग नहीं आई, और इसलिए उसको सेकेंड बार मैंने उसको चिपकाया है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, जिससे उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आ गई। ऑलमोस्ट इट्स डन, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा सूखने में, टाइम भी नहीं, मिनिमम 5-10 मिनट्स। और उसके बाद हम करने वाले हैं इसके ऊपर येलो कलर। मैंने यहाँ येलो डिसाइड किया है, और भी मैंने इस तरीके के पैचेस रेडी किए हैं, तो उसमें मैंने अलग अलग कलर यूज़ किया है। मैं यहाँ पे येलो वाला आपको दिखा रही हूँ, और सिंपल सा येलो करेंगे और फिर इसमें वाइट शेड भी डालेंगे। मोटा ब्रश लिया है क्योंकि इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत है नहीं, तो फटाफट से हमें कलर फिलअप करके इसको सूखने देना है, और फिर इसके ऊपर हम सिंपली एक आर्ट यूज़ करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन इसका आउटकम बहुत ही अमेजिंग आता है। और बस इसी तरीके से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसके ऊपर येलो करने के बाद वाइट से आपको बीच में से थोड़ा सा शेड देते जाना है, जिससे थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है वाइटली शेड आ सके। और ये मैंने थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सूखने के बाद दोबारा किया है, क्योंकि फिर वो मेल्ट होता रहता है, इसलिए थोड़ा सा सूखने के बाद उसमें शेडिंग जो है आ जाती है, और नैपकिन के ऊपर कुछ असर भी नहीं होता है एक बार सूखने के बाद। Thank you.
आर्ट तो थोड़ी डन हो गई, बहुत सिंपल सी बेसिक सी रखी है, उसके बाद में ये गोल्डन थ्री लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यह सिंपल सा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्हेंस तो करेंगे ही ना, थोड़ा सा मैंने इसके साथ इसको इन्हेंस किया और फिर इसको ड्राई होने दिया। और इसी तरीके से मैंने चार पाँच, क्या सिंगल थोड़ी ना लगाऊंगी दीवार पे छोटा सा कार्डबोर्ड, तो इस तरीके से पूरी वॉल के लिए तीन चार ये पीसेस मैंने रेडी कर लिए थे। और सिर्फ इसी तरह से इसको लगा भी नहीं सकते, तो इसके लिए हम मैंने किया है फ्रेम रेडी, और फ्रेम सिंपल पेपर के साथ रेडी किया है। ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये जब लगते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। बस रोल करना है, ब्लैक कलर करना है, और इनके ऊपर फिर मैं 3D लाइनर के साथ इफेक्ट भी दूंगी। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सोचा क्या है, फ्रेम को दो दो करके मैं इस तरीके से इनको स्टिक कर दूंगी, और स्टिक करने के बाद 3D लाइनर के साथ उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दूंगी, जो कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। पर मैं सिर्फ आपको अभी ये मोट दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैं इसको चिपकाने वाली हूँ और फ्रेम रेडी करने वाली हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सबर नहीं किया और चिपकने के बाद मुझे 3D लाइनर करना था, लेकिन मैंने नहीं किया और तुरंत ही करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा दोनों एक साथ ड्राई हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा वेट करने के बाद उसको जो किया कंप्लीट। और इस तरीके से बहुत सारी स्टिक रेडी की, फ्रेम्स रेडी किए, और उनको साइड से कट भी कर दिया, जिससे आप उसको फिनिश दे सको। जैसे इसमें वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है ना, तो इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने कट कर दिया है। तो चलिए इस तरह से दिखाते हैं आपको पूरा लुक कैसा लग रहा था, हेयर इज आउटकम। और एक बार वॉल पे जब लग जाता है तो उसके बाद तो बेहद खूबसूरत नज़र आता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने फॉर्म्स बना दिए हैं वर्ली आर्ट की, एंड डांसिंग करते हुए, ढोल बजाते हुए, नाचते हुए। तो ये जो फॉर्म्स है ना, गूगल पे बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है बिना किसी इन्वेस्ट किए हुए। आप घर में अपने तरीके से अपने आप बनाइए। तो मैंने दिखाया भी है कि कितनी कॉस्टली ये वाली आर्ट्स आ रही हैं आजकल, तो हम क्यों उन पे इन्वेस्ट करें, क्यों वेस्ट करें जो चीज़ हम खुद बना सकते हैं और इससे ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत इजी ही DIY है, बहुत सिंपल फ्रेम्स के साथ हैं। इस तरीके के फ्रेम्स आप पिक्चर में भी ऐड कर सकते हैं, अपने फ़ोटो फ्रेम्स में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, और आई होप कि आप ये वीडियोस अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और मेरी वीडियोज़ को इनक्रेज करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स तो न्यू होते ही नहीं है डेफिनेटली, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे मेरी इस वीडियो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास जा सके, और इसी तरह से सिंपल आर्ट मैं आपको और भी दिखा सकूँ। उसके तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।